ऐसे ही लगने लगा कि यार यहाँ से ठीक तो इंडिया में ही था। वहाँ पे इतने मतलब कि जैपनीज वहाँ से निकल रहे थे बट कोई भी मतलब उनका उसको देख नहीं रहा था। हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो यार ये वीडियो ना अभी जो मैंने रिसेंट में अपलोड किया था तो ये उसी का सेकंड पार्ट समझ सकते हो, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको अलग से डाल दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा 3 साल का यहाँ पे जैपनीजों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इनका क्या बिहेवियर होता है हमारे लिए, और जैपनीज टू बिहेवियर क्या होता है, तो यही शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो बिना देर किए वीडियो को फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब जब नए नए आए यहाँ पे तो बाहर जैसे एयरपोर्ट से निकले तो यार बड़ा अच्छा लगा, यार लगा कि यार बस जन्नत में आ गए, यार यही है ज़िंदगी। और बड़े अच्छे अच्छे लोग देखने को मिले, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई हॉर्न नहीं मार रहा है। हमारे इंडिया में जैसे जहाँ पहुँचे आपको मारते रहते, तो बड़ा मतलब कि शांत माहौल लगा, बड़े अच्छे अच्छे लोग देखने को मिले, तो लगा यार बस भाई यहीं पर है ज़िंदगी, बाकी तो ऐसे ही अभी तक नरक में ही जी रहे थे ऐसे लगा। बट वो बहुत ज़्यादा खुशी मिली, लेकिन वो भाई साहब थोड़े दिन तक टिकी वो खुशी। वो जब तक टिकी जब तक कि मतलब स्कूल जा रहे थे, सिर्फ स्कूल जा रहे थे और काम वगैरह जॉब वगैरह थी नहीं, तो मज़ा रहा था। 2-3 घंटे स्कूल जाके बढ़िया आ जाते थे घर, बढ़िया इधर उधर घूमना फिरना मज़े लेना। लेकिन जैसे ही पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट होती है ना भाई साहब, फिर स्टार्ट होती है ज़िंदगी, यहाँ की लाइफ की, यहाँ की लाइफ क्या है। जब सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था ना, और मतलब कि मैं उठ रहा हूँ सुबह 5 बजे और जो मेरा रूममेट है वो सो रहा है बढ़िया 8 बजे तक, वो भी उतने ही पैसे कमा रहा, मैं भी उतने ही पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं क्या यार फिर क्या ही फ़र्क रह गया, वो भी उतने पैसे और मैं ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मतलब कि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगा, थोड़े टाइम के बाद फिर सब वैसे ही नॉर्मल सी हो गई लाइफ, मतलब कि ऐसे ही लगने लगा कि यार यहाँ से ठीक तो इंडिया में ही था। तो देखो यार, जितनी भी मतलब इस दुनिया में लोग है ना, जितनी भी कंट्री है ना, सबके मतलब कि लोगों के अपने अपने बिहेवियर होते हैं, और सभी कंट्री की मतलब कि कोई प्रो होता है कोई कॉन्स होता है। तो मैं आज आपको मतलब कि जापान की आपको कॉन्स बताऊंगा कि यार यहाँ पे क्या कमी है। तो यार मैं सबसे पहले बता दूंगी, यहाँ पे यार बहुत बड़ी कमी है एक, इनकी मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो बिहेवियर होता है वो बहुत गंदा है। यहाँ पे मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ में। जब स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पे जापान में आया था तो मैंने देखा था कि मैं काम पे जा रहा था, काम पे जाते वक्त वहां पे एक बंदा रास्ते में पड़ा हुआ था बहुत ठंड में, और उसकी साइकिल कहीं पे और पड़ी थी, वो कहीं पे और पड़ा था। तो वहां पे इतने मतलब कि जैपनीज वहां से निकल रहे थे बट कोई भी मतलब उनका उसको देख नहीं रहा था, टच करके देख नहीं रहा था, बहुत जैपनीज निकले। और फिर जब वहां पे मैं मतलब कि अब तो हमारा तो दिल यार इंडियन है ना, तो हम इंडियन के तरह ही सोचते हैं, कुछ भी हो देखा जाएगा, यार वो मरा भी हो सकता है, यार उसकी डेथ भी हो गई हो, क्या पता कैसे पड़ा हो। तो मैं वहां पे जाके जब उसको वहां पे देखा, मैं जाके कि यार इसको देखते हैं कैसा है ये, फिर मैं जब वहां पे जाके उसको देखा तब जाके 1-2 जैपनीज वहां पे उसको देखने आए, नहीं तो तब तक कोई आ नहीं रहा था। और इसी तरह एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ कार में हम घूमने जा रहे थे तो एक आंटी बेचारी आ रही थी, वो साइकिल से आ रही थी, और एक मतलब की यंग लेडी थी वो आ रही थी अपने कार से। तो उसने मतलब कि आंटी ने बिचारी जब साइकिल चलाते हैं मतलब कि अचानक से जब कार उसके सामने आई तो वो आंटी बिचारी रास्ते से मतलब कि डर के मारे गिर गई, और वो गिरने के बाद भाई साहब मतलब वो गिर गई काफी ज्यादा मतलब कि परेशान हो गई, और वो हमारे आगे कार खड़ी थी, हम वहाँ पे रास्ते में थे कि हम उतर भी नहीं सकते थे, और वो लड़की भी भाई साहब उसको उतर के मतलब वो आंटी को बिचारी को देखा नहीं, वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, बहुत ज्यादा एज हो चुकी थी आंटी की, उसने एक बार भी उतर के नहीं देखा। वो आंटी बेचारी थोड़ी देर के बाद वहां से उठती है और खुद वो उसको सॉरी बोल के जाती है। तो यार मुझे लगा कि यार बताओ, अगर हमारे इंडिया में होता तो 100 लोगों की भीड़ लग जाती है, और उस आंटी को मतलब कि अच्छे से उठाते बैठाते, उसको खाने पिलाने के भी पूछते। एक बार और ऐसा हुआ था कि मैं जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पे कभी कभार लंच नहीं मिलता था, मैं बाहर लंच करने गया था तो वहां पे मैं देखा एक मतलब कि अंकल एक आंटी जा रहे हैं, और आंटी चलते चलते एक उसका पैर फंस गया बेचारे का कहीं पे, वो फटाक से गिरी मतलब कि मुंह के बाहर काफी ज्यादा, तुरंत उसके फेस से चोट वगैरह आ गई, ब्लड वगैरह निकालने लगा, सारे जैपनीज देख रहे, इवन वो भी देख रहा जो उसके साथ में पता नहीं उसका हस्बैंड था कौन था, वो भी देख रहा खड़े होके, पर मुझसे नहीं देखा गया यार, मैं अपना
जो खाना खा रहा था ना, खाना के ऊपर से मैंने ऐसे पैर निकाल के तुरंत आंटी को जाके उठाया, और जब मैं उठाया तब उसका उस टाइम तक फिर उसका हस्बैंड आया। अभी मेरे ऑफिस में ही एक नया ऐसा हुआ कि यार जो मेरी मतलब कि साचो है ना, जो मेरा कंपनी का ओनर है, उसकी वाइफ हमारी ऑफिस इंचार्ज है, हमारे साथ में काम करती है। तो अभी दो दिन पहले ही वो एक्चुअली वहीं पे ऑफिस में कुछ काम कर रही थी, और काम करते करते वो वहां पे बड़ी जोर से गिरी। वो भी काफी ज्यादा एजेड आंटी भी, और पूरा दिन काम करती भाई साहब, रात के 7 बजे तक काम करती, सुबह 7 बजे से। तो उसका यार पैर फंस के वो गिर गई यार वहीं पे ऑफिस में, और मैं मतलब कि आमने सामने था, तो जैसे वो गिरी आंटी तो मुझे लगा कि कोई सामान वगैरह गिर गया होगा, तो मैंने मतलब कि मेरा थोड़ा सा सिस्टम पड़ा तो मैं देख नहीं पाया उस पर। तो जब मैं उसको देख नहीं पाया, जब थोड़ा टाइम हुआ तो मैंने ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा, तो फिर मुझे पता लग गया कि यार मतलब कि वो आंटी गिर गई है। और मैं जाके तुरंत भाई साहब उस आंटी को उठाने गया, और वो आंटी मुझे बोली कि कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, बट वो 5 सेकंड 7 सेकंड उठ नहीं पाई। तो जब मैं आंटी को उठाने लगा ना, तो वो सब लोग मेरे साइड में देख रहे, मतलब कि कोई कलीग जितने भी जैपनीज थे वो कोई उठ के आ नहीं रहा था। एक आंटी और साथ में काम करती है, 2 जैपनीज है और काम करती है साथ में लेडीज है, कोई उठ के नहीं आ रहा। मैं यार बड़ा सॉफ्ट हुआ यार, मैं क्या यार ऐसा भी क्या यार, जिनके हम कंपनी में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी जिनसे हमारी चल रही है, कम से कम यार उसके लिए तो इतना तो बनता है यार, इतनी इंसानियत तो है हमारे अंदर। बट यार ये लोग पता नहीं क्यों यार इनका ऐसा क्यों बिहेवियर है कि ये लोग यार मतलब बिल्कुल ऐसे चीजों में ये कुछ मतलब कि एक्शन ही नहीं लेते, ये कुछ अपनी तरफ से करते ही नहीं है। उसके बाद भी ना मतलब कि किसी ने आंटी से पूछा नहीं कि मतलब ठीक ठाक है, लगा है कि नहीं लगा है। तो उस टाइम पे तो यार मतलब कि मैं जितनी भी अपने मुंह से गंदी गालियां दे सकता था ना, मैंने सारी गालियां निकाल के अपने मतलब कि अंदर अंदर से मैंने दे दिया था यार, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था यार। मैं जब मतलब उठाने गया था, उसके बाद में एक वियतनामी लड़की साथ में काम करती, वो भी बाद में आई, बट उसने भी आंटी को टच नहीं किया, दूर से पूछा दाई जोबू, तो उसने बोला हाँ दाई जोबू। फिर वो जो हमारा मतलब कि बॉस है ना, जो साचो है, तो वो थोड़ा सा मतलब कि ठीक नहीं है, बट जो आंटी ना वो बहुत अच्छी है यार, वो बहुत सबकी हेल्प करती है, और वह इतनी अच्छे से हमसे बात करती है, जो हम मतलब स्टार्टिंग में लैंग्वेज सीखते हैं ना, जो पोलाइट वर्ड सीखते हैं, उस पोलाइट वर्ड में हमेशा बात करती है। तो मुझे यार बहुत गंदा फील हुआ यार कि यार ऐसा ये जैपनीज लोग क्यों करते हैं यार। और मैं यार यहाँ पे एक बहुत बुरी चीज फील किया इनके जैपनीजों का, यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी मतलब कि जैपनीज ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये रिस्पॉन्सिबल बंदा ही नहीं है। एक्चुअली जब मैं सेनमन गाकू में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मेरे कॉलेज में एक भी पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं वहाँ पे कंप्लेंट करता था हमेशा, बोलता था, तो सब कोई हाई हाई करता था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, मतलब कि जो भी कमेटी है, जो भी आपके भाई मेंबर है, वहां तक कोई बात पहुंचाता ही नहीं था। ये स्कूल पे नहीं, मैंने बहुत सारे मतलब कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिसेस में देखे हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये लोग मतलब कि इनको ये होता कि अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं। बट हमारे यहाँ पे देखो होता है कि अगर नहीं पता बट फिर भी बंदा एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखता है, वो अपने बिहाफ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचता है, बट ये लोग सीधा ना कर देते हैं भाई साहब, वतसी सिरहना है, वतसी वकारना है, तुरंत ये लोग मना कर देते। मुझे लगता है कि ना करने से पहले एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है ना यार, कि हाँ कोई बंदा आया है तो आके करे, मतलब ये पोलाइट तो हैं, आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सुन लेंगे, बट बाद जब बोल देते सिरा नहीं तो फिर मूड खराब होता है कि यार सिरा नहीं का मतलब क्या होता है, पहले अगर नहीं पता था तो पहले मना कर देता। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह भाई मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।